नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। आज सिरसा में नई पेंशन प्रणाली को विरोध में गरजे कर्मचारी। पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाल को लेकर के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सिरसा बिजली घर में एकत्र हुए। धरना प्रदर्शन में जिला भर के सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी हुई और बाजारों में रोष निकालते हुए ताऊ देवीलाल पार्क पहुंचे। सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी को ज्ञापन सौंपा व प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आगामी 7 अक्टूबर को करनाल में रैली होगी। फिर भी अगर सरकार नहीं मांगनी तो सरकार के खिलाफ आंदोलन को उग्र किया जाएगा। आप देख रहे हैं सिरसा पलपल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। नई पेंशन बहाली के लेकर के विरोध जताने वाली और पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर के मांग कर रहे आज कर्मचारियों ने सिरसा के अंदर प्रदर्शन किया। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए सर्वप्रथम कर्मचारी बिजली निगम कार्यालय परिसर में एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। उसके बाद कर्मचारियों ने सड़कों पर रोष प्रदर्शन करते हुए दाऊ देवीलाल पार्क पहुंचे और सिरसा सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आगामी 7 अक्टूबर को करनाल में कर्मचारी रैली का आयोजन किया जाएगा और फिर भी अगर सरकार नहीं मांगनी तो आंदोलन को और मजबूत करेंगे। ज्ञापन देने के बाद सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी ने कहा कि कर्मचारियों को आश्वासन भी दिया कि उनकी आवाज़ को लोकसभा में उठाई जाएगी और इनेलो के प्रतिपक्ष व विधायक कर्मचारियों द्वारा विधानसभा में भी इस आवाज को उठाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए आवाज को बुलंद किया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। काटा जाता है वो पैसा जाता कहाँ है? 10% पैसा जो सरकार डालती है वो पैसा जाता कहाँ है? और सरकार खुद पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए अंबानी और अडानी की जेबें भरने में लगी हुई है कर्मचारियों के, सरकार के पैसे का। बीच में पहुंचे हैं हम सांसद महोदय जी को बताना चाहते हैं कि आए हैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति एक ज्वाइंट समिति है हरियाणा में अस्तित्व में आई है केवल एकमात्र मांग को लेकर कि भी जो 1/1/2006 के बाद हरियाणा में कर्मचारी लगे हैं चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो एक PN से लेकर DC तक उनकी पेंशन एक नई पेंशन स्कीम के तहत रखी है जो केवल एक छलावा है एक आंशिक पेंशन है। उसके उदाहरण अभी हाल ही में रिटायर हुए 15-15 साल नौकरी करने के बाद कर्मचारियों के रूप में सामने आए हैं जो 50,000 की तनख्वाह पे रिटायर होने वाले कर्मचारी आज 1500 पे मात्र 1200 पे पेंशन ले रहे हैं। ये इस नई पेंशन स्कीम को रद्द करवाने के लिए आज पूरे हरियाणा में सभी जो लोकसभा सांसद हैं उनको ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। तो उस सिलसिले में आज ये सिरसा में फतेहाबाद के साथी और सिरसा के साथी इकट्ठे हुए हैं। देखिए सभी विभागीय संगठन अपने अपने लेवल पर इसकी मांग को उठाए हुए हैं, बड़ी प्रमुखता से उठाए हुए हैं क्योंकि आजकल हम विभागों की स्थिति देखते हैं तो नए कर्मचारी लगभग 75% की दिशा में स्थिति में हैं और पुराने कर्मचारी लगभग रिटायर हो चुके हैं वो 25% ही बचे हैं। सभी विभाग इससे पीड़ित हैं। अलग अलग संगठनों में लड़ाई जारी है लेकिन जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति है ये इसी वजह से अस्तित्व में आई है कि अलग अलग संगठनों द्वारा मांग उठाने के बावजूद भी सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं। इसके बाद हम बहुत ही ज्यादा संख्या में 7 अक्टूबर करनाल में रैली करने जा रहे हैं। रैली के माध्यम से हरियाणा में जितने भी 1.5 लाख कर्मचारी सभी विभागों में कार्यरत हैं एनपीएस से पीड़ित है वो सभी भाग लेंगे और केंद्र के 50,000 कर्मचारी यानी कि 2 लाख के करीब कर्मचारी इकट्ठा होंगे। इतने के बाद भी यदि सरकार नहीं चाहती है तो हम आगे और भी कड़ा आंदोलन करते हुए असहयोग आंदोलन या जेल भरो आंदोलन करेंगे।